दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी मित्रों का एक बार फिर से हमारे इस पावरफुल मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार बताएंगे कि किस समय रात के संबंध बनाने से आप राजा से भिखारी बन जाओगे। यदि आप इस बात को नहीं जानते हैं तो तुरंत जान लीजिए। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपको एक बहुत ही जरूरी जानकारी देना चाहेंगे। दोस्तों महिलाओं की यह चीज छूने से आपकी किस्मत बदल सकती है। कौन सी है वो चीज, आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों औरत की दो चीजें छूने पर वह हो जाती है बहुत ही ज्यादा खुश और अपने मन से आपको देती है एक ऐसी चीज जिससे आपकी किस्मत तुरंत खुल जाती है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों एक औरत के पास आपको देने के लिए क्या कुछ नहीं है, अगर हम देखें तो उसके पास देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। हम आपको बता दें आपको बस एक काम करना है और रातों रात आपकी किस्मत बदल जाएगी। क्योंकि आज हम जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं आप उसे बहुत ही अच्छे से जानते हैं लेकिन इसका असर और फायदा बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि इसको लेने के लिए हर कोई बहुत प्रयास करता है फिर भी यह चीज दिल से उसको नहीं मिलती। लेकिन आज हम आपको औरत में दो ऐसी चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिसे छूने पर या पकड़ने पर आपका सोया हुआ भाग्य खुल जाएगा, आपकी किस्मत पर चार चांद लग जाएंगे। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी विनती है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो घंटी का आइकन आता है उस पर क्लिक जरूर करना ताकि नई वीडियोस को आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। औरत एक खुला हुआ खजाना है जिसे बस आपको समझने की जरूरत है। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं के पैरों में सुख समृद्धि वास करती है। हम आपको बता दें इन दोनों को छूने पर व्यक्ति पाप मुक्त हो सकता है। जब कोई औरत अपने हाथों को हमारे सर पर आशीर्वाद देने के लिए रखती है तो उसके हाथों से निकलती ऊर्जा व्यक्ति के ऊपर वास कर जाती है जिसके कारण अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। वहीं औरत के दोनों पैरों को छूने पर हमारे अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। दोस्तों अगर हम विज्ञान के अनुसार बात करें तो जब हम किसी आदरणीय व्यक्ति के पैर छूते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर उनका हाथ हमारे सर के ऊपरी भाग को और हमारा हाथ उनके चरण को छूता है जो हमें सकारात्मक ऊर्जा पैदा कराता है, साथ ही इससे हमारा मानसिक विकास भी होता है। अब चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि रात के किस समय संबंध बनाने से आप राजा से भिखारी बन जाओगे। दोस्तों यदि आप रात के 2:30 के बाद संबंध बनाते हैं तो आपसे देवी लक्ष्मी रूठ जाती है। क्योंकि दोस्तों 2:30 के बाद के समय को ब्रह्म बेला कहते हैं। इस समय पूजा अर्चना का समय होता है। यदि आप ऐसे समय में संबंध बनाएंगे तो आपकी किस्मत खराब हो जाएगी और आप बहुत जल्दी एक गरीब व्यक्ति बन जाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपको कभी भी भूल कर भी 2:30 के बाद के समय में संबंध नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों संबंध बनाने का सही समय रात के 12 से पहले का या फिर दिन का समय माना गया है। यदि आप ऐसे समय में संबंध बनाओगे तो आपको किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा और यदि आप ब्रह्म बेला में संबंध बनाएंगे तो आपको भयंकर से भयंकर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। ऐसे समय में संबंध बनाने से देवी लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों यदि आप अपने जीवन में अमीर बनना चाहते हैं, बहुत सारा धन इकट्ठा करना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए।